alaikum my dear students. Today we are going to read our third uh, topic of this of the chapter number second, that is food, health, and hygiene. We have read about um, the food, about uh, different components of food, different ways how we can keep ourselves clean, how we can keep ourselves fit. So today we are going to read about disease. Okay.

कभी हम थक जाते हैं या कभी हमारी बॉडी में इनएक्टिवनेस पाई जाती है या हमें कभी पेन होती है या कुछ और मतलब वो कंडीशन जैसे एबनॉर्मल कंडीशन जो कि हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को हमारी बॉडी में जो फंक्शंस होते उसको अफेक्ट करती है या किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसको हम डिजीज़ बोलते हैं ओके Just जस्ट लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर समाइमस कभी कभी क्या होता है हमारा जो स्टोमक होता है um, हम कभी खा नहीं पाते हैं है ना हमें uh, मतलब कुछ अजीब सा लग रहा होता है या कभी कभी हमारा थ्रोट जो है वो फिज, फ्रिजी लग रहा है या कभी कभी हमारी बॉडी में सारी बॉडी में पेन होती है तो दैट इज़ द

मतलब हम ऐसे ही डिजीज का मतलब आपको पता नहीं चलेगा आपको कुछ बॉडी में फील हो रहा है दैट टाइम यू कैन से आई हैव समथिंग इज़ गोइंग इन माय बॉडी समथिंग बैड इज़ इन माय बॉडी कुछ हो, गलत हो रहा है हमारी बॉडी में तो आपकी बॉडी जो है वो आपको एक साइन देती है एक सिम्टम होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल हम uh, इसकी बात वो करेंगे रनिनोज कोल्ड की बात करेंगे इट्स अ डिज़ीज़ इन कोल्ड वट वट आर इट्स सिम्टम्स इसकी सिम्टम्स क्या है हमारी नोज़ जो है वो रनिंग कर रही होती है ठीक है रनी नोज होती है फेवर होता है हमें बॉडी एकिंग होती है सो वी कैन से दैट वी हैव कोल्ड हमें कोल्ड है इस तरीके से हम डिजीज़ का पता चल आ, पता चल सकता है हमें अब हमें कोई और मतलब फॉर एक्ज़ाम्पल ज़्यादा बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी जैसे कि कभी कभी हमें होता है कभी स्टोमक में पेन होता है या स्टोमक हम खा नहीं पाते हैं अच्छे से तो उस तरीके से हम क्या करते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं एंड वे आर गोइंग थ्रू अ टेस्ट हम टेस्ट करते हैं तो उस तरीके से भी हमें क्या पता चलता है डिजीज़ लेकिन पहले हमारी बॉडी हमें कुछ सिम्टम्स का कुछ साइंस दे देती है ठीक है सो नाउ दिस डिजीजेस डिजीजेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स डिजीजेस दो टाइप्स के होते हैं एक तो कम्युनिकेबल डिजीजेस दूसरा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस ओके फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट कम्युनिकेबल डिजीजेस कम्युनिकेबल डिजीज आर दोज डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्राम वन पर्सन टू अनदर पर्सन कम्यनिकेबल डिज़ीज़ वो डिज़ीज़ है जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल सकते हैं इट्स इट कैन भी बाई कानटेक्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बाई मीन्स आफ फूड बाई मीन्स आफ़ इंसेक्ट्स ओके okay. ये डिफरेंट तरीके से है जैसे कि कोविड नाइन्टीन हम कोविड नाइन्टीन के आज तो कोविड नाइन्टीन है उसकी बात हम करेंगे इसीलिए हमें क्या बोला जा रहा है मास्क पहनो डिस सोशल डिस्टेंस रखो क्योंकि दैट इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड देर आर सम्पल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज लाइक इट्स कोल्ड मलेरिया टाइफाइड चिकन पॉक्स नमोनिया दीज आर द एग्जाम्पल्स आफ कम्यनिकेबल डिजीज दीज डिजीज आर काज्ड दीज डिजीज आर काजड बाई जर्म्स। बट आर जर्म्स, जर्म्स क्या होते हैं दीज आर स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिज दैट कैन नॉट सीन बाई ए नई कढ़ाई जो हम नई कढ़ाई से नहीं देख सकते दैट कैन सीन ओनली बाई माइक्रोस्कोप जो हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं एंड द इग्जाम्पल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर लाइक बाइक बेक्टीरिया प्रोटोजोन दीज आर द वायरस दिज आर द एग्जेम्पल्स आफ माइक्रो ऑर्गेज् एंड दे काज डिजीज सो दीज डिज़ीज कैन स्प्रेड दिज जर्म्स कैन स्प्रेड द डिज़ीज इन various ways first is the direct contact with the infected person अगर कोई बीमार है अगर हमारा उसके साथ direct contact है कोई भी बीमारी हो उसको चाहे उसको coldness हो malaria हो typhoid हो chicken pox हो whatever तो क्या होता है um, uh, वो disease हमें लग जाती है because that is a communicable disease जस्ट लाइक वैन वी वैन इन अव होम कभी हमारी घर में क्या होता है किसी को ज़ुकाम होता है ठीक है तो वो स्नीज़ करता है छींकता है खांसता है उससे क्या होता है उससे उसके मुंह से उसकी नाक से जर्म्स बाहर निकलते हैं वो ईयर में आ जाते हैं ठीक है उससे क्या होता है जो बाकी जो घर में होते हैं उनको भी वो लग जाता है मतलब कभी किसी एक को जम होता है तो पूरे घर को फिर फैल जाता है इट्स बिकॉज ऑफ दीज जर्म्स ओके सो दैट मीनस द जर्म्स कैन स्प्रेड डिजीज फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन ओके एंड कभी कभी हम क्या करते हैं वी आर शेयरिंग आवर थिंग्स विद दैट इन्फेक्ट पर्सन या हम कभी स्कूल में जाते हैं और कोई बीमार होता है ना तो वहाँ पे भी क्या करना चाहिए वहाँ पे हम उसके वो हमारा फ्रेंड होता है तो हम उसको अपनी टॉवल देते हैं हैंड कच को या कोई भी चीज़ देते हैं ओके एंड इन दैट वे वी आर आल्सो स्प्रेडिंग डिजीज़ उस तरीके से भी हम डिजीज़ स्प्रेड कर सकते हैं ठीक है जस्ट लाइक द एग्ज़ाम्पल्स आफ डिज़ीज दैट कैन स्प्रेड फ्राम बाई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आर कामन कोल्ड मीजल ट्यूबर क्लोज दिज आर द एग्जाम्पल्स आफ डिजीज दैट कैन स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जैसे आपको मैंने कॉमन कोल्ड की एग्जाम्पल दी कॉमन कोल्ड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होता है मीजल्स मीजल्स भी डायरेक्ट इसीलिए जिसको मीजल्स होता है उसको घर में अंदर रखते हैं उसको बाहर निकलने नहीं देते एंड टिबर क्लोजिज इज ऑल्सो ओके नाउ इज द डिजीज डैट कैन स्प्रेड थ्रू डटी वॉटर फूड एंड वॉटर देखो बेटा जो गंदा पानी होता है या फूड होता है उस पर क्या होता है जो गंदा पानी होता है उसमें जर्म्स होते हैं सो इफ़ वी कैन वी टेक दैट वाटर इफ़ वी ड्रिंक दैट वाटर द जर्म्स विल पास इन टू आवर बॉडी वो हमारी बॉडी में चले जाएँगे जिससे क्या होता है जिससे डिजीज़ होती हैं एंड द मोस्ट कॉमन डिजीज़ बाई फूड बाई वाटर इज़ कॉलरा कॉलरा होता है अगर गंदा पानी हम पिए या अब हम फूड की बात करेंगे फूड जो होता है वन वी कीप अवर फूड अनकवर्ड कभी कभी हम अपना खाना ऐसे ही रखते हैं बिना कवर करके तो जो फ्लाइज होते हैं मॉस्किटोज़ होते हैं वो उस पर बैठ जाते हैं और क्या होता है फिर वो उसमें ज, उसमें जर्म्स ग्रो होते हैं एंड व्हेन द जर्म्स ग्रो इन द फूड वी ईट दैट फूड एंड द डिजीज ऑकर इन आवर बॉडी हमारी बॉडी में बीमारी हो जाती है तो जस्ट लाइक कॉलरा टाइफाइड दिज आर द वेरियस एग्जांपल्स आफ फूड ऑफ डिजीज़ दैट कैन स्प्रेड थ्रू डर्टी फूड एंड वाटर दैन इज़ द डिज़ीज दैट कैन स्प्रेड थ्रू इंसेक्ट्स दैट कैन स्प्रेड थ्रू इंसेक्ट इंसेक्ट्स से क्या डिजीज स्प्रेड होते हैं सो माई डर स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है जो मलेरिया है दैट इज काज डू टू अ मॉस्किटो मॉस्किटो जो होता है वही मलेरिया फैलाता है लेकिन मलेरिया जो है वो दैट इज़ फीमेल मॉस्किटो करती है ठीक है तो वो कैसे करती है वन वन मॉस्किटोज आर मूइंग हेयर एंड दियर वट वट डू दे बाइट अ मलेरिया परसन या इन्फेक्टेड पर्सन ठीक है जिसको मलेरिया होगा उसने उस वहाँ से क्या किया उसने ब्लड भी सक किया और जर्म्स भी अलॉन्ग विद ब्लड है ना एंड वैन वैन दैट मॉस्किटो बाइट द हेल्दी परसन उस वहीं पर उसने एक हेल्दी पर्सन को भी बाइट किया तो वो जो ब्लड सक उसने किया वो ट्रांसफ़र हुआ किसमें हेल्दी पर्सन में फ्रॉम सिक पर्सन टू हेल्दी पर्सन और इसी तरीके से मलेरिया भी फैल जाता है ठीक है एंड वन मोर डेंजरस दिस डिजीज इज़ डेंगू इट इज़ आल्सो स्प्रेड इट इज़ आल्सो स्प्रेड बाई मॉस्किटोज़ ओके Now dear students I am I will uh, dis uh, discuss some communicable diseases, their symptoms and how we can prevent them. कुछ communicable diseases हैं how what are their signs? ये कैसे मतलब आपको कैसे लगता है ये disease है हममें या हम कैसे इस इनसे बच सकते हैं फर्स्ट इज़ कॉमन कोल्ड कॉमन कोल्ड में क्या होता है ये आपको सब सबको पता है उसमें रनी नोज होती है स्नीजिंग होती है बॉडी एकिंग होती है और हमारा थ्रोट जो है वो सोर शोर होता है मतलब हमारी थ्रोट में मतलब जब हम uh, कुछ खाते हैं हमार हमारा थ्रोट जो है उसमें लग जाती है एंड वट वट विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म काज दिस डिजीज़ दैट इज कॉमन कोल्ड दैट इज वायरस ठीक है एंड हाउ इट थ्रू हाउ इट इज स्प्रेड इट इज़ स्प्रेड विद डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टिड पर्सन ठीक है या हम uh, वहाँ से मतलब वहा इन्फेक्टेड पर्सन ने स्नीज किया तो वहाँ से जर्म्स निकले वो हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर okay so what we have to do we should keep the infected person away from the healthy persons we should keep them isolated okay we should wash our hands our mouth our nose while uh, sorry we should wash our hands and also we should cover whenever we sneeze whenever we cough we should cover our mouth nose ओके दिस इज़ द प्रिवेंटिव मेजर ऑफ कॉमन कोल्ड देन इज मलेरिया मलेरिया इज द इट इज़ अ डिजीज़ इट्स अ कम्युनिकेबल डिजीज एंड इट्स सिम्टम्स आर हाई फीवर चिल्स सर्दी लग जाती है बहुत ज़्यादा बॉडी एकिंग होती है एंड वॉमिटिंग होती है ओके एंड इट्स काजड बाई माई प्रोटोजुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड प्रोटोजुआ इट्स काजड बाई दैट Okay, how it spreads? It spreads through mosquitoes with malaria parasites. Like when a mosquito bite a, a malaria mm, this person, or when a mosquito carries the carries the malaria parasite that uh, bites the healthy person and. दैट बाइट द हेल्दी पर्सन उसके बाद क्या होता है दैट मलेरिया इज़ ट्रांसफर्ड टू हेल्दी पर्सन ओके हाउ वी कैन प्रिवेंट हाउ वी कैन दिस हम कैसे खुद को बचा सकते हैं मलेरिया से वट वी हैव टू डू अवॉइड मॉस्किटो बाइट्स बाई यूजिंग मॉस्किटो नेट्स और ए मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम जस्ट लाइक यहाँ पे खुदा ना करे मतलब मलेरिया डेंगू ये नहीं है तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी हमें क्या करना चाहिए वी शुड अवॉइड मॉस्कीटो बाइट्स बाई कीपिंग अवर सेल्स इन साइड बाई कीपिंग वायर नैट्स वायरनेट्स हमें लगाने चाहिए या मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम है जो हमें हम लगाते हैं फिर मॉस्किटो अगर बाइट करेगा वो नहीं कर पाता है ठीक है सो वी शुड यूज दीज थिंग्स सो एंड अनदर थिंग वट वी हैव टू डू वी शुड नॉट कीप वाटर हम जो पानी है बाहर हमारे इर्द गिर्द जो पानी होता है गटर में पानी होता है उसको वहाँ पे जमा नहीं करके होना चाहिए उसी से ये मॉस्किटोज़ उठते हैं उसी से हमें क्या करना चाहिए परहेज़ करना चाहिए ओके देन इज़ टाइफाइड टाइफाइड इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड इट्स सिम्टम्स आर हाई फीवर हडेक एंड डायरिया टाइफाइड में हाई फीवर होता है 102 से अबो होता है हडेक होता है बहुत ज़्यादा और डायरिया होते हैं एंड इट्स काजड बाय अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट्स

हाइजीनिक एंड सैनिटेशन हमारे हमारा जो इर्द गिर्द का माहौल है खुद का या घर में हमें वो प्रॉपरली जो फ्री बनाना चाहिए क्लिन बनाना चाहिए सैनिटाइज करना चाहिए और तो और हमें फूड को कवर करके होना चाहिए और जो वाटर हम पीते हैं दैट शुड बी फिल्टर्ड ओके दैन इज़ निमोनिया निम्यूनिया इज़ आल्सो ए कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड इट्स सिम्टम्स आर का फीवर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड चिल्स इसमें क्या होता है आपको बहुत ज़्यादा खांसी होती है बहुत फीवर चढ़ता है और हमारा हमारी जो सांस है वो अटक जाती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है हमारा दम घुट जाता है ठीक है और चिल्स मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है एंड इट्स काजड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस हाउ इट्स काज इट इज इट इज स्प्रेड जस्ट लाइक कॉमन कोल्ड जैसे कॉमन कोल्ड स्प्रेड होता है वैसे ही निमोनिया भी स्प्रेड होता है ओके वट वी हैव टू डू वी शुड कीप द इन्फेक्टेड पर्सन अवे फ्राम आस उसको आइसोलेटेड रूम में रखना है वी शुड वॉश हैंड्स वी शुड कवर आवर माउथ एंड नोज वायल स्नीजिंग एंड कफिंग ओके एंड इट्स प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ

वहाँ पे कहाँ uh, जैसे कोविड नाइन्टीन की बात हम करेंगे अगर इफ़ एनी वन इज़ सफ़रिंग एनी वन इज़ हैव कोविड नाइनटीन ही इज़ वी आर कीपिंग हिम आइसोलेट उसको आइसोलेशन रूम में रखते हैं है ना सो वी शुड नाट अलाउ हिम टू मीट अन इन किसी से मिलना उसको मिलने नहीं देना है सो दैट डिजीज कैन नॉट स्प्रेड ओके सेकेंड इज दैट वई शुड कीप दराउंडिंगस क्लीन हमें अपना आस पास का जो माहौल है वो शुड कीप दैट साफ वी शुड कीप दैट क्लीन हमें उसको साफ रखना चाहिए साफ जिससे जर्म्स ग्रो ना हो ठीक है एंड थर्ड इज दैट वई शुड

ठीक है लेपरेसी के लिए वैक्सीन करते हैं अब कोविड नाइन्टीन के लिए हम वैक्सीन ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए भी हम ठीक है उसके लिए भी हम वैक्सीन मतलब यूज़ करेंगे सो इट्स इट इज़ यूज टू स्टॉप द कम्युनिकेबल डिजीज इट वॉट डज दिस वैक्सीन डू इट इंक्रीज़ द एबिलिटी टू फाइट विद डिज़ीज़ डिजीज से बचने के लिए ये अपने हमारी बॉडी में जो सलाहियत पैदा करता है उससे हम डिज़ीज से फाइट करते हैं ठीक है एंड डिफरेंट डिजीज डिफरेंट वैक्सीन्स नाउ हाउ वी कैन ट्रीट दिज कम्युनिकेबल डिजीज वी ट्रीट दिज कम्युनिकेबल डिजीज बाई एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स जो होते हैं मतलब ये एक मेडिसिन है इससे हम कम्युनिकेबल uh, डिजीज को क्या करते हैं फैलने से बचाते हैं मतलब जब एक इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसको एंटीबायोटिक देता है ये एक मेडिसन है जो कि किल करता है जर्म्स को या ग्रोथ उनकी कम करता है ठीक है बट देर इज़ वन थिंग दैट वी शुड नॉट टेक एंटीबायोटिक्स विदाउट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर डॉक्टर के बगैर हमें एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए क्योंकि दैट कैन बी हार्मुल फॉर आवर बॉडी ओके सो दिस वॉज अबाउट द डिज़ीज एंड कम्युनिकेबल डिजीज इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल रीड अबाउट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज़ ओके फी अमान टेक केयर